Hello lovelies, this is Kinjal Kataria and welcome back to my channel Cook to Live with Kinjal. भाई मेरा ऐसा मानना है कि व्रत का खाना जो है सबसे ज्यादा tastiest होता है and of course this recipe is my personal favorite too. और वैसे भी नवरात्रि चल रही है तो इस रेसिपी को कोई कैसे मिस कर सकता है भला. तो चलिए आज बनाते हैं साबुदाना खिचड़ी. यहाँ पे मोटे दाने वाला साबुदाना का इस्तेमाल किया है मैंने. स्टार्ची वाटर रिमूव करने के लिए दो बार अच्छे से इसे रनिंग वाटर टैप के नीचे वॉश कर लेंगे. इससे जो है खिचड़ी हमारी बिल्कुल भी चिपकी चिपकी नहीं बनेगी. जितने पानी में साबुदाना डिप हो जाए बस उतना पानी यूज़ करें इसे सोक करने के लिए. देखिए यहाँ पे मैंने कितना यूज़ किया है. याद रखिए एक्सेस वाटर बिल्कुल भी नहीं डालना है. एंड आफ्टर 4 आवर्स ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं. अपनी साइज साबुदाना ने अच्छे से रिटेन की हुई है गोलाई में और ये बिल्कुल भी सौगी नहीं बना है. यहाँ पे एक पैन में मैं कुछ पीनट्स, मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट भी कह सकते हैं आप इसे, वो लिए हैं मैंने अराउंड 1/2 कप. और इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ ताकि इनका कच्चापन जो है अच्छे से निकल जाए, इनमें थोड़ा सा क्रंच आ जाए और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, कोई भी तेल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने. कुछ अराउंड 5 to 6 मिनट्स मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इन्हें अच्छे से ड्राई रोस्ट किया है और थोड़ी देर तक इन्हें ठंडा होने के बाद इन्हें मिक्सी में कोर्सली ग्राइंड कर लिया है. तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून के करीब तेल, उसमें जीरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा क्रैकल होने पर कड़ी पत्ता, ग्रीन चिलीज को मैंने स्लिट करके लिया है और कुछ बॉइल्ड पोटैटोज मैं ऐड कर रही हूँ. इन्हें अच्छे से सीजन करते हैं पहले और कम से कम 2 to 3 मिनट्स तक लो फ्लेम पर इन्हें पकाना है हमें अच्छे से. मैं यहाँ पे आज महाराष्ट्रियन स्टाइल साबुदाना खिचड़ी बना रही हूँ. इसके लिए यहाँ पे मैं पूरी मूंगफली यूज़ नहीं कर रही हूँ और पोटैटोज भी मैंने बॉईल करके लिया हुआ है. अगर आप गुजराती स्टाइल या किसी अदर स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बन सकता है. इसके बहुत सारे वैराइटीज़ हैं, मैं भी इसे कुछ 3-4 तरीके से बनाती हूँ. आज का ये स्पेशल साबुदाना खिचड़ी महाराष्ट्रियन स्टाइल में बन रहा है. और अगर आपको पता हो तो साबुदाना जो है टैपियोका ट्री से बनता है चावल के सब्स्टिट्यूट के तौर पे. यहाँ पे नमक और शुगर ऐड किया है मैंने. शुगर बिल्कुल भी ऑप्शनल है मगर ट्रस्ट मी डालने पर टेस्ट काफ़ी अच्छा देता है. और इसे सैगो भी कहा जाता है. यस, साबुदाना को सैगो भी कहा जाता है. देखिए आफ्टर कंटिन्यूसली रोस्टिंग ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं बॉइल्ड पोटैटोज. और अब मैंने इसमें डाला है सैगो यानी साबुदाना और उसी के ऊपर मैंने जो कोर्सली ग्राइंड किया हुआ मूंगफली का पाउडर है वो भी साबुदाना के साथ इसमें मिला लिया है. अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ज़्यादा ना चलाते हुए, जी हाँ ज़्यादा ना चलाते हुए ऐसे ही हमें रखना है सो दैट ये जो साबुदाना वाइट कलर के हैं वो धीरे धीरे सारे ट्रांसपेरेंट होने लगेंगे. बट ट्रस्ट मी सारे खिले खिले दाने बनेंगे, एक भी दाना दूसरे से चिपकेगा नहीं. थोड़ा सा सॉल्ट और मैंने ऐड किया है. अगर आप इसे फास्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाला नमक ही यूज़ किया है. और कोई कोई लोग कड़ी पत्ता या फिर ग्रीन चिलीज या फिर कोरिएंडर ये सारी चीज़ें व्रत में नहीं खाते हैं तो आप प्लीज़ इसे स्किप करें. यहाँ पे मैंने कोरिएंडर के साथ इसे गार्निश किया है. कुछ 3 to 4 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर इन्हें ऐसे ही रख दिया था पकने के लिए. देखिए कितने ट्रांसपेरेंट हो गए और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. और ट्रस्ट मी टेस्ट में तो इट्स टेस्ट लाइक ऑसम. और बनी है ना हमारी साबुदाना खिचड़ी एकदम खिली खिली. देखिए कोई भी एक दाना दूसरे से चिपका नहीं है और कितनी सौगी भी नहीं बनी है और दिखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. तो आप प्लीज़ इसे घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे इसका रिस्पांस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसी बनी है. यहाँ पे लेमन थोड़ा सा मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ. अगर आप इसे व्रत में नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं. तो तैयार है हमारी खिली खिली साबुदाना खिचड़ी. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट. एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ एंजॉय.